दिन दिहाड़े ये हरकत। फर्ज करो मैं यहां से नीचे गिर जाऊं तो क्या होगा? नहा लूंगा। चले गए मनुष्य लोग किसी के लिए। बस भाई मेरा घर आ गया है, मुझे यहीं उतार दो। भाई बाइक तो आपकी बहुत खूबसूरत है, कितने के लिए है? खूबसूरत तो होगी, अब्बा हजूर की भैंस बेच कर ली थी और अब्बा हजूर भी उसी दिन चल बसे। मतलब आपके अब्बा हजूर की ये आखिरी निशानी है? इसीलिए तो जान से प्यारी है। अच्छा भाई ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत शुक्रिया। ओ भाई जरा रुको तो, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। अच्छा वो मेरी जेब तो वापस कर दो जो तूने रास्ते में काटी है। कौन सी जेब? मैं आपको जेब काटने वाला लगता हूँ? मेरे कान कुत्ते से भी ज्यादा तेज है, जब आपने कैंची चलाई तो मुझे क्रुच क्रुच की आवाज आ रही थी। अब जल्दी करो, वापस करो। देखो भाई मैं इस तरह की जलील हरकत कभी नहीं करता, अगर आपको एतबार नहीं है तो तलाशी ले लो मेरी जेब की। तलाशी लेनी तो बनती है। देखा कुछ नहीं निकला ना। मेरी बाइक। अरे आज का तो दिल ही खराब था। ये काम भी तुमने किया है, बुलाता हूँ पुलिस को मैं। हाँ हाँ अब इसका इल्जाम भी मुझ पे दे दो। पैसे तो मैं वसूल करके रहूंगा। आईफोन ये तो मेरा है। तुम्हारा था अब मेरा है, सारे नुकसान इसी से पूरे करूंगा। फंस गया बेचारा। मोबाइल तो ले लिया लेकिन इसका पासवर्ड पता नहीं। साहब ये है वो बंदा जिसने मेरा मोबाइल छीना है, ये है वो। ये मोबाइल तो मेरा है। साहब अगर ये मोबाइल इसका है, इसे को इसका पासवर्ड खोले। चलो खोलो। साहब खुल नहीं रहा, वो रात बीवी ने चेंज कर लिया होगा। साहब जरा मुझे दिखाना। खुल गया है। चलो ससुराल चलते हैं। साहब मेरी ससुराल से नहीं बनती। बेचारा नुकसान पूरा करने लगा था, पता नहीं अब दाल रोटी खा पाएगा या नहीं। चलो ठीक कहते हैं, जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे शख्स को कुत्ता काट लेता है।